So hello everyone, welcome to my channel Sonakshi's Lifestyle. So it's our anniversary and look, it's like nothing exciting going on. अभी तक इंडिया से कॉल आ रहे थे, अभी इंडिया में रात हो गई है एंड वहाँ पे मतलब अभी तो सब सो गए हैं वैसा है, बट यहाँ पे अभी इतना टाइम नहीं है, अभी हमारा बाकी है, मतलब अभी यहाँ पे तो शाम ही होने वाली है ऐसा है. बट द थिंग इज नथिंग एक्साइटिंग एंड नथिंग प्लान्ड, नथिंग वी हैड प्लान्ड जस्ट बिकॉज क्योंकि आज वेडनेसडे है, वीक डे है तो ऑफिस रहता है, सो इट्स लाइक दैट. सो अभी भी ऑफिस चल रहा है प्रियंका, तो आई थॉट कि चलो मैं केक बना लेती हूँ एटलीस्ट. सो आई एम मेकिंग द केक एंड उसके लिए मुझे ना प्री मिक्स लेना था, मतलब केक मिक्स लेना था, तो मैंने सोचा चलो मैं ही लेके आ जाती हूँ, तो मैं वो लेने आई थी. सो आई थॉट कि चलो मैं रोजेस लेके चलती हूँ बिकॉज यूजली हमेशा मुझे सरप्राइज मिलता है रोजेस का. एंड यस्टरडे ऑल्सो ही इज प्लानिंग कि हाँ मैं रोजेस लेके आता हूँ, प्लान था पूरा बट बिकॉज ऑफ यहाँ पे फ्यूल वाला जो शॉर्टेज और सब चल रहा था तो हम लोग वो डिस्कशन करने लगे और बातों बातों में वो निकल ही गया. सो आई वॉज लाइक कि ओके नो प्रॉब्लम, ऐसा कोई वो स्पेसिफिक नहीं है, मतलब इतना कोई वो नहीं है और वैसे भी फ्राज तो ऐसा है कि सूख जाते हैं तो नहीं लेते इस बार, ऐसा मैं ऐसा बोल रही थी. तो फिर प्रियंक ने कहा कि चलो ठीक है अपन कल ले लेंगे वैसा वाला, तो आई थॉट कि ओके चलो ठीक है देखेंगे. देन अभी मैंने सोचा कि जब मैं आई हूं तो व्हाई नॉट मैं सरप्राइज कर दूं इस बार, तो मैंने फ्लावर्स ले लिए हैं. अब लेट्स सी प्रियंक का क्या रिएक्शन होने वाला है बिकॉज आई डोंट नो, आई डोंट थिंक कि उन्होंने मतलब वो गैस करेंगे कि मैं फ्लावर्स लेने आई हूँ, मतलब क्योंकि पता था कि मैं केक मिक्स लेने आई थी. सो या इट्स लाइक दैट. अब लेट्स सी रिएक्शन, मैं शूट करूंगी एंड लेट्स गो. बेसिकली देर वॉज नो प्लान टिल नाउ, अभी हम लोग के फ्रेंड्स लोगों ने कॉल किया था, सो उनकी भी एनिवर्सरी है. हमारे ग्रुप में एक और कपल है, कांचा एंड अंकित, मेरे प्रीवियस वीडियो से आप लोगों को पता होगा वो कौन है. सो उन लोगों की भी एनिवर्सरी है अभी आज ही, तो हम लोग ने सोचा कि चलो कुछ नहीं घर में, मतलब फील ही नहीं आएगा एनिवर्सरी वाला, तो वाई नॉट टू गो फॉर अ डिनर. सो अभी हम लोगों का प्लान तो है डिनर पे जाने का, अब लेट्स सी कहाँ जाते हैं कैसा करते हैं. इफ आई शूट दैट तो मैं इसी वीडियो में इंक्लूड करूंगी, अदरवाइज ये जो सरप्राइज है यहाँ तक रहेगा, अदरवाइज जो भी है मतलब जो भी रिकॉर्ड करूंगी वो मैं इंक्लूड करूंगी. सो दैट्स व्हाई आई प्लान कि चलो केक बना के लेके जाते हैं, मैं मतलब केक बना के लेके जाती हूँ, तो एक थोड़ा सा अच्छा रहेगा एलिमेंट, केक कटिंग होगी तो प्रॉपर एकदम एनिवर्सरी वाला फील आएगा. सो इट्स लाइक दैट. सो लेट्स गो एंड रिएक्शन देखते हैं फिर शर्मा जी का. सो कम ऑन गाइज लेट्स गो, मैं आ गई हूँ घर एंड अभी देखते हैं कि मैं जब गई थी तब ही वॉज ऑन कॉल, लेट्स सी अभी कॉल पे या नहीं, देखते हैं थोड़ा सा सरप्राइज होंगे या नहीं होंगे पता चलेगा. सो स्टे ट्यून्ड. हैप्पी एनिवर्सरी. कितनी हॉरर आवाज वाला गेट अलग ही, तुझे पता नहीं किसी हॉरर वाले शो में आए. हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ. हैप्पी एनिवर्सरी. ये नवाब वाले शो. थिंग्स परफेक्ट नाइस गुड जॉब. आर यू सरप्राइज्ड और नॉट, तुम्हें पता था क्या? यस आई एम. मुझे लग रहा था कुछ तो यार खड़बड़ हो रही गेट पे, मैं देख लिया तू यहाँ से निकली है, मैंने जब गेट खोला ना चाय पीते हैं, फिर मैंने देखा अरे नहीं नहीं चल सही है. मैं चाय भी मैं बना के गई थी. सी अप्रिशिएटेड. ओके अभी तुम्हारा काम खत्म हुआ कि नहीं हुआ है? तो खत्म हो चुका है. आई वाज थिंकिंग कि तुम कॉल पे रहोगे शायद. व्हिच कॉल? भाई लड़के ने हेयर कट लिया है कल एनिवर्सरी के लिए. बड़े दिनों बाद आदम जवान, क्या बोलते कौन सा जमाना होता है, आदम खान वाला जमाना ऐसा बोलते थे ना. हाँ तो वो जमाने से यंग जनरेशन में आए हैं बिकॉज टू शो कि हमारी शादी को सिर्फ 2 ही साल हुए हैं.
ऐसा है क्या? ये क्या काम खत्म हुआ तुम्हारा, ये बचते ही तो जा रहा है। सो वॉट यू लाइक द मोस्ट, वो पीछे क्या बोलते हैं, नकली वाले या ये असली वाले? असली वाले, असली की बात ही कुछ और है। क्यों बोलो जुबा केसरी? ये कहाँ से याद है मुझे, थोड़ा सूट कर रहा था। फूल और कांटे, कांटे नहीं है उसमें। और प्लीज वाटर मी। हाँ ना, वाटर तो कर देंगे, उसमें क्या है, लेने वाला ले लो, उसके बाद क्या, वाटर भी तो जाना है। थी लाइक इट? यस, यू वेंट टू वेयर Anywhere, क्या ही फर्क पड़ रहा है? नहीं, मेरे को थोड़ा सा ये था कि हाँ शायद तुमको नहीं समझ में आएगा, बिकॉज मैं बोल के गई थी कि मैं केक मिक्स लेने जा रही हूँ, है ना? नहीं समझा था कि समझा था? समझ गया था क्या? नहीं नहीं समझा, मैं केक लेके आई और सब, मुझे चाय की खुशबू आ रही थी, मैं गया चाय में रख गई थी ना कि बन जाएगी जब तक मैं आऊंगी तब तक। चलो आप केक बनाती हूँ मैं। So, succeeded. Hey guys, so we are going for our dinner and उसके लिए थोड़ा सा तैयार हो गई हूँ, बिकॉज सुबह से तो कुछ हुआ नहीं था, तो यार थोड़ा सा लिपस्टिक विपस्टिक लगा के थोड़ा चेहरा चेंज हो गया। So, we are going there. I don't think so, मैं डिनर शूट करूँगी बिकॉज इट्स नॉर्मल डिनर, हम लोग रेस्टोरेंट में जाके खाना खा रहे हैं तो उसमें क्या ही शूट होगा। So, yeah, we are doing. So, we are going there and आई डोंट नो, मैंने मेंशन किया है, आई थिंक नहीं मेंशन किया है, बट हम लोगों के साथ में हमारे फ्रेंड हैं, उन एक और कपल हैं, कांशा और अंकित, तो उनकी भी एनिवर्सरी है, सो वी बोथ आर सेलिब्रेटिंग, वैसा है। तो अभी केक बन गया है, लेके जा रहे हैं, सो थोड़ी सी ट्रेजेडी हो गई है केक के साथ, अब लेट्स सी वहाँ जाके समझ में आ जाएगा कि वो बचा है ढंग से कि नहीं। सो या अगर बचेगा तो मैं फ़ोटो डालूंगी, और नहीं बचेगा तो बिल्कुल नहीं डालूंगी। बाकी या सो वी आर गोइंग एंड अगर मैंने वहाँ शूट किया तो आई विल जॉइन दैट क्लिप, अदरवाइज नॉर्मल एंड करके एंड देन कंटिन्यू। सो या लेट्स गो। सो हम लोग अभी रास्ते में हैं और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, मैं दिखाती हूँ, मतलब ये जो पूरा लेन है ये वहाँ तक आगे जाके उतना ज़्यादा पूरा रेड है, ये यहाँ से आई थिंक यहाँ दिख रहा है, यानी ये पूरा आगे तक ट्रैफिक फिक्स है। आई थिंक 1, 2, 5, 10 की, 5 भी नहीं होगा स्पीड उसमें चल रही है सारी कार्स। और शायद कोई एक्सीडेंट हुआ है क्योंकि पुलिस खड़ी है आगे, या फिर नॉर्मल है पता नहीं, पर पूरा ये यहाँ तक पूरा भरा हुआ है, पूरे ट्रक्स और सब कुछ है, पता नहीं क्या है। तो यहाँ पे ये एक्सीडेंट हुआ, बिकॉज ऑफ दैट ही सारा नाटक हुआ है। अच्छा यहाँ पे सब आ जाते हैं, एम्बुलेंस है ये, पीछे फायर ब्रिगेड थे, सब आ जाते हैं इकट्ठा। So we reached और हम लोग आए हैं ये मस्ती फन इंडियन स्ट्रीट ईट्स, कुछ इंडियन रेस्टोरेंट है ये, हम लोग तो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। वो वहाँ पे ऑटो रखा हुआ है आगे, नाइस। सो लेट्स गो। Happy third anniversary, both of you. Third anniversary. और ये हमारा फोटो सेशन तो हो चुका है केक के साथ में। और यहाँ है Are you believing it? It's already there. यहाँ शर्मा जी, मिस्टर मिसेस शर्मा जी के 2 साल कंप्लीट हो गए शादी को। Victory है भाई हमारी। और ये सोनाक्षी ने केक बनाया हुआ है हाथ से।
जिसका से फोटो सेशन हो चुका है, अभी TMO लिखा हुआ है, फोटो सेशन हो चुका है। हाँ, गोलगप्पे और टेबल पे लोगों से ज्यादा ग्लास दिख रहे हैं। So for him, and for his father and mother anniversary was on 11th. Yeah. And mine on 5th May. My father mother's anniversary. Like so many in May. सारे मुहूर्त मई में ही निकालते हैं ना. So let's eat now. अक्षय तृतीय है ना. हाँ तो बताएंगे. यहाँ पानी पूरी की प्रोसेस स्टार्ट हो गई है. गोलगप्पा जो है टूटा है. अच्छा टूटा. अरे यार यहाँ पे तो वो भी नहीं होता ना, इन लोग खाते थे तो अगर कोई टूटी निकलती थी तो उसको बोलते थे एक एक्स्ट्रा दो. या तो उसके पास जाए कि एक्स्ट्रा तो चाहिए चाहिए ही चाहिए. सूखी वाली टूटी. ये दो टूटी मिलेगी. हाँ करेक्ट. ऐसे क्यों लगा ये भी टूटी है. अरे यार नुकसान हो गया. हाँ कोई भी चाट चाहिए उसको ऊपर का टॉपिंग चेंज कर देंगे. तो हमारा खाना आ गया है और यह है, ये कौन सी नान है? गार्लिक नान ना. प्लेन नान नहीं है, गार्लिक है. ऑल्दो देख इतना समझ में नहीं आया कैमरे में कुछ भी. लुक लाइक तंदूरी नान. एंड दिस इज गरम गरम खा मेरा जीरा पोड़ गया कुछ लड़के के.
लुक एट द ट्रैफिक गाइस, फिर से शायद कोई एक्सीडेंट हुआ है एंड सो बिकॉज़ ऑफ दिस पुलिस खड़ी है यहाँ तो बस कुछ है ही नहीं. अच्छा बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्शन इतना सारा कर दिया है भाई. ऊपर भी चल रहा है. ओ हाँ ऊपर ही चल रहा है एक्चुअली, नीचे इतना ज़्यादा नहीं है जितना ऊपर है. 13-15 minutes खा गए. सो वी आर डन विथ आर डिनर और बहुत ही मस्त था, मतलब बहुत अच्छा टेस्ट वाइज बहुत अच्छा था. और यही था हमारी एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन. पीच कॉर्नर्स है ना. हाँ बट अच्छा लिखा है यार. हाँ चाट खाया ना, बहुत मस्त था आलू चाट. एक्चुअली आलू टिक्की मैंने इंडिया के बाद अभी यहाँ पहली बार से बाहर खाई है यहाँ पे. तो लगभग खुद ने बनाई है घर में, वो अलग बनाई है, बाकी ये वाली ऐसे टाइप की पहली बार ही खाई बाहर होटल में कहीं ऐसे रेस्टोरेंट में. तो अच्छी थी है ना, मस्त थी वो आलू टिक्की, मस्त थी. पानी पूरी भी अच्छी थी, मतलब ओवरऑल खाना अच्छा था. यूजुअली हम लोग इंडियन नहीं खाते हैं बाहर, बट ऐसे गैदरिंग में हम लोग इंडियन ज़्यादा खाते हैं ना अपन. पर अच्छा ऐसे अलग हो जाता है ना टेस्ट, ट्राई हो जाता है, अच्छा लगता है. मस्त अच्छा था, मस्त था टेस्ट. सो या वी आर डन विद आर सेलिब्रेशन, अब हम जा रहे हैं घर. और या दैट्स इट फॉर माई वीडियो. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. सो डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कॉमेंट डाउन बिलो. मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय. हैप्पी एनिवर्सरी. हैप्पी एनिवर्सरी टू यू. हैप्पी एनिवर्सरी टू अस चाचा चाची. हैप्पी एनिवर्सरी टू यू. डैंग डैंग. अब एक बार देख लो. बट व्हाट अबाउट मी. यही बस 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 मैं यही सिखला रही हूँ तुमको. You want to try it, okay? Yeah. Try it. Kian, come here. Yum. Yeah. Oh. Okay. Okay. ये छोड़ दे अपन. Let's cut the cake. Let's cut the cake. Okay, let's cut the cake. पकड़ो पकड़ो पकड़ो. हैप्पी एनिवर्सरी टू यू. हैप्पी एनिवर्सरी. किया जी. ओके ओके. इसको छोटा खिलाओ पहले. लो हाँ नहीं इधर इधर देख. मेरे को तो मूवी नहीं दिख रहा उसका. हाँ ये कैमरा अब खा ही नहीं रहा है वो. आपको ये वीडियो पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो. इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए प्रेस करें बेल आइकन.